एमपी रुदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, आपकी पैतृक संपत्ति लूटकर अपने बच्चों को देंगे। विरासत टैक्स पर एमपी रुदा की सफाई, बोले क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसे मुद्दों पर चर्चा बहस होनी चाहिए। विरासत टैक्स पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष एमपी रुदा का बयान, कहा अमेरिका में 55% विरासत टैक्स, भारत में भी ये उचित लगता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने किया ट्वीट, कहा देश को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस, पित्रोदा ने की संपत्ति बांटने की बात। एमपी रुदा के बयान से कांग्रेस का किनारा, जयराम रमेश बोले लोकतंत्र में हर कोई बहस को स्वतंत्र, ये पित्रोदा के विचार कांग्रेस के रहे। पित्रोदा के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का निशाना, कहा सैम पित्रोदा का बयान से कांग्रेस एक्सपोज हुआ, सामने आ गया है कांग्रेस का असली मकसद। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का पीएम मोदी पर वार, कहा पहले घोषणा पत्र पढ़ी, पीएम मैनिफेस्टो में किसी को लुभाने की बात नहीं, देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का हमला, कहा पीएम की गलत नीतियों से कई घर उजड़े, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा देश में कल हुआ दंगा तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद, महारैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया, सोनिया गांधी को घेरा, बोले आतंकी मारे जाने पर आंसू बहाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का हमला, कहा मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप, कांग्रेस का इतिहास देश तबाह करने वाला, धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी का बयान, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी, ये घोषणा पत्र नहीं सामाजिक न्याय पत्र। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं पीएम, राजनीति में मुझे नॉन सीरियस कहा गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई, पुलिस ने तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में लिया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने बदला उम्मीदवार, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, 25 अप्रैल को नामांकन करेंगे, पहले तेज प्रताप यादव को दिया था टिकट। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले अच्छा हुआ अखिलेश लड़ने आ रहे, भ्रम टूट जाएगा, कोई और लड़ता तो जमानत जब्त होती। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार पर बढ़ा सस्पेंस, अमेठी और गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर, लिखा अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का हमला, बोली लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत, सभी लोग अपनी संपत्ति के कागजात छुपाएं। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का नामांकन आज, माधवी लता का ओवैसी पर हमला, कहा बाहर से लोगों को लाकर बसाते हैं ओवैसी, मुस्लिमों के लिए ओवैसी ने क्या किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से जारी है मुठभेड़, सेना के दो जवान घायल, अरागाम इलाके में रेंजी के जंगलों में एनकाउंटर। ममता सरकार ने 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, सरकार की दलील स्कूल में कर्मचारियों की हो जाएगी कमी। आज आईपीएल में दिल्ली और गुजरात के बीच मुकाबला, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में होगा मैच, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।